आजम शहबाज शरीफ दोहरा दौरे पर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। दो तरफा ताबून और मुल्की मुआशत से मुतालिक बात होगी। वजीर आजम की सऊदी क्यादत से अहम मुलाकातें मुतवक्का हैं। वजीर आजम आज पाक पतन का दौरा भी करेंगे। वजीर आजम दरगाह हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी देंगे। शहबाज शरीफ रुकन कौमी असम्बली राना इरादत की रिहाइशगाह पर उनके वालिद साबिक MNA राना जाहिद की वफात पे इजहार ताजियत भी करेंगे। सरकारी जराये के मुताबिक इस सिलसिले में तमाम सरकारी इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। DC ग्राउंड में हेलीपैड की तैयारी जारी है। तमाम सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिए गए। राना इरादत के घर के बाहर वॉक थ्रू गेट भी पहुँचा दिए गए। पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर बीटर इफ्तिखार अहमद ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर एक T20 इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पाकिस्तानी बन गए। पाक भारत टाकरे में इफ्तिखार अहमद ने 4 छक्कों की मदद से 34 गेंदों पर 51 रन बनाए। इससे कबल इफ्तिखार अहमद ने ही कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 छक्के लगाए थे। इसके अलावा कामरान अकमल ने 2010 में मेलबर्न और बाबर ने 2019 में सिडनी में 2-2 छक्के लगाए थे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का मैच मेलबर्न में भी जारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ भी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान, असद उमर और अली नवाज समेत 100 अफराद के खिलाफ मुकदमा थाना संजगानी में पुलिस की मुदैयत में दर्ज किया गया है, जिसमें दहशतगर्दी समेत 10 दिफात शामिल की गई हैं। FIR में कहा गया है कि PTI कारकुनों ने क्यादत की ईमा पर श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक किया। कारकुनों ने पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ भी की। कारगुल में दुश्मन पर अपनी धाक बिठाने वाले पाक फौज के निशाने हैदर याफ्ता कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के सुवाबी में वाके मजार पर चोरी के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सुवाबी पुलिस के मुताबिक शहीद कारगुल कैप्टन कर्नल शेर खान के मजार से चोरी की गई अशिया भी बरामद कर ली गई। शहीद कारगुल कर्नल शेर खान के मजार से चोर वहां मौजूद सोलर सिस्टम, 2 बैटरियां, UPS फैन, वाटर फिल्टर, 2 पोल, 2 मारखोर मेडल्स, निशाने हैदर मेडल की कॉपी, 2 झंडे और शहीद की जाती मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए थे। सुवाबी पुलिस ने बताया है कि वाकये का मुकदमा कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के भतीजे की मुदैयत में थाना कालू खान में दर्ज किया गया था। सुवाबी पुलिस का ये भी कहना है कि मुलजिमान से चोरी किया गया तमाम सामान बरामद कर लिया गया है।